आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के भिंड से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने थाने पहुंचा और अपनी पत्नी को वापस दिलाने की मांग करने लगा। पत्नी ने बिना बताए तलाक लिए दूसरे शादी कर ली है और पहले पति से हर महीने खर्च लेती रही, फिर दूसरे पति के साथ रहने लगी। महिला का कहना है कि उसे अपना पहला पति पसंद नहीं है, इसलिए उसने दूसरी शादी की। दरअसल यह पूरा मामला भिंड के मेहगांव इलाके का है। मेहगांव निवासी धर्मेंद्र जाटव की 4 साल पहले 4 मार्च 2017 राखी नाम की महिला से शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद राखी और धर्मेंद्र जाटव बिना तलाक लिए अलग हो गए। इस दौरान धर्मेंद्र अपनी पत्नी को भरण पोषण भी देता रहा, लेकिन अचानक धर्मेंद्र को एक दिन मालूम हुआ कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी अपने दूसरे पति से गर्भवती भी हो गई है। इसकी जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र सीधा भिंड डीएसपी पूनम थापा के पास पहुंचा और अपनी पत्नी वापस दिलाने की गुहार लगाने लगा। डीएसपी पूनम थापा ने धर्मेंद्र की पत्नी और उसके पति को बुलाया। राखी ने अपने पहले पति धर्मेंद्र के साथ जाने से साफ मना कर दिया। फिर उसके दूसरे पति ने बताया कि उसे अपनी पहली पत्नी की पहली शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राखी ने दूसरी शादी मंदिर के अलावा कोर्ट में भी की है। वहीं उसके पहले पति धर्मेंद्र का कहना है कि उन्हें उनकी बीवी वापस चाहिए, वो उसे भरण पोषण भी देते रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उसने दूसरी शादी कर ली। धर्मेंद्र का कहना है कि जब तलाक ही नहीं हुआ तो दूसरी शादी कैसे हो सकती है। इस मामले में डीएसपी पूनम थापा का कहना है कि जो वैधानिक रूप से कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।